वेलकम टू सीए गुरुजी चैनल। मैं हूँ सीए पूजा गुप्ता और आज आपको सिखा रही हूँ टेली में नए फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने अकाउंटिंग वाउचर्स आपको कैसे शुरू करने हैं, क्या क्या सेटिंग्स करनी है कि आपके अकाउंटिंग वाउचर्स में वाउचर्स की नंबरिंग आ जाए ऑटोमेटिकली, आप खुद अपनी नंबरिंग को सेट कर सकते हैं। साथ ही उसका प्रिंट कैसे निकलेगा, कैसे हर एक डिटेल सेट होगी, वो आपको इस वीडियो में बता रही हूँ डिटेल में। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जुड़े रहेगा इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर इंपॉर्टेंट लगे तो शेयर कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने ओपन कर ली है टेली। टेली में अपनी कंपनी मैंने ओपन कर ली है। आपकी भी जो कंपनी या फार्म है उसे आप ओपन कर लीजिएगा उस डेटा को। फिर आपको ओल्ट F2 प्रेस करते हुए अपना फाइनेंशियल ईयर चूज करना है। हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 की बात कर रहे हैं। तो आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए ये सब सेटिंग्स करेंगे, वो फाइनेंशियल ईयर सबसे पहले आपको अपना पीरियड सही कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा पीरियड सही है। अब हम चलेंगे ए करेंगे प्रेस, फिर करेंगे वी, मतलब अकाउंटिंग इन्फो में वाउचर टाइप्स में। अब आपको जब नया क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट पे जाना है, या फिर आपने पिछले सालों के लिए अगर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था ये सेटिंग तो आपको ऑल्टर पे जाना है। मैं नया क्रिएट कर रही हूँ तो मैं क्रिएट पे क्लिक कर रही हूँ। अब आपको देना है नाम, वाउचर टाइप का नाम आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे सेल दे सकते हैं, आप चाहें तो इसे टैक्स इनवॉइस दे सकते हैं, तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। मैं यहाँ पे इसे सेल नाम दे रही हूँ। इसका कोई शॉर्ट नेम आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, आप नहीं देना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं। फिर आगे रहेगा सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, जो आपको ऑप्शंस यहाँ पे आ रही है। हम यहाँ पे सेटिंग्स कर रहे हैं सेल की, आपको एस प्रेस करना है और सेल को चूज कर लेना है। एब्रीवेशन वही आएगा जो आपने ऊपर उठाया है, जैसे मैंने सेल वर्ड लिया है तो ये सेल ले रहा है, पर आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ऊपर सेल ले लिया, एब्रीवेशन आप देना चाहते हैं टैक्स इनवॉइस, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग का मतलब है कि वाउचर की नंबरिंग क्या आप ऑटोमेटिकली चाहेंगे जो टैली अपने आप कैलकुलेट कर दे, या आप चाहेंगे कि ऑटोमेटिक भी हो और आप उसे मैनुअल भी ओवरराइड कर पाए, या आप चाहते हैं मैनुअल हो, मल्टी यूजर ऑटो हो या नन हो। तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं सेटिंग ऑटोमेटिक के लिए। इसी के लिए ये बहुत इजी होता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक बार सेटिंग करनी है और सारा काम सिस्टम करेगा। तो हम यूज कर रहे हैं ऑटोमेटिक। अब रहेंगी यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इस पे आपको वाई प्रेस करते हुए यस कर लेना है और अब आपको ये ले आया है आगे। स्टार्टिंग नंबर आप चाहे तो 1 से कर रहे हैं तो 1 ही रखिए, कोई और सीरीज आप यूज करें जैसे 11 या 101 या 111 तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट इसे आप छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली 0 ले लेगा। प्रीफिल विद 0 करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं करना चाहते तो नो कर दीजिए, मैं नो ही कर रही हूँ। अब करेंगे रीस्टार्ट नंबरिंग। नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, आपको सबसे पहले आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे चूज करना है। ऑटोमेटिक 1 अप्रैल 2019 मेरे पास आ रहा है, अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप खुद ही टाइप कर लीजिएगा 1/4/2019 या जो भी पीरियड आप चूज कर रहे हैं। फिर आप बढ़ेंगे अपनी नंबरिंग पे, तो मैं यहाँ पे 1 दे रही हूँ, मुझे 1 ठीक लग रहा है, पर आप चाहें तो 11, 101 जो भी नंबरिंग आप देना चाहते हैं दैट इज ऑन योर चॉइस। पर नए फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर आप नई नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो जनरली वो 1 से ही स्टार्ट होती है, या 01 भी आप लिख सकते हैं। तो जो भी आपको सीरियल नंबर स्टार्ट करना है, जहां से भी शुरू करना है वो आपको देना है। ये आ गया आपका ईयरली, ये आपका ईयरली होगा। फिर प्रीफिक्स डिटेल्स, आपकी मर्जी है आप ये प्रीफिक्स चाहें, मतलब आपके सीरियल नंबर से पहले ये प्रीफिक्स आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शनल है। आप नहीं देना चाहते तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। कुछ लोग देना चाहते हैं जैसे अपनी कंपनी का शॉर्ट नेम ही वो यूज कर लेते हैं, या कोई भी प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लू राम एंटरप्राइजेज है, RM यूज कर लेता है अपनी नंबरिंग के आगे, तो आप चाहें तो प्रीफिक्स दे सकते हैं, मुझे कोई प्रीफिक्स नहीं देना है। फिर होता है सफिक्स, सफिक्स में भी आपको पीरियड यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है, सफिक्स आप जो भी लेना चाहें, जैसे मान लीजिए आप कोई एंड में सफिक्स देना चाहते हैं इसमें 2019-20, तो आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो इसे छोड़ भी सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल इनवॉइस नंबर ले रही हूँ 1 से, तो मेरी यहाँ पे डिटेल्स एंटर हो गई है। अब हम आ गए हैं आगे, यूज इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर्स इसे ऐसे ही रहने दीजिए, आगे भी नो है नो ही रहने दीजिए। तो आप ये सेटिंग्स देख के देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, जैसे ऑटोमेटिकली आ रही है। अब हम बढ़ते हैं, अब हमें क्या चाहिए, डिफॉल्ट बैंक, आप चाहें तो अपना बैंक यहाँ पे दे सकते हैं जो इनवॉइस पे आपके एंटर होके आएगा। ये मेरे केस में बैंक आ रहा है HDFC, मैं इसे चूज कर लेती हूँ। डिफॉल्ट ज्यूरिडिक्शन, तो आप अपनी अगर ज्यूरिडिक्शन देना चाहते हैं, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसकी ज्यूरिडिक्शन देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में दिल्ली है तो मैं अपना ज्यूरिडिक्शन दिल्ली यहाँ पे एंटर करूंगी, तो इनवॉइस पे मेरा ज्यूरिडिक्शन भी लिखा हुआ आएगा, पर मैं नहीं चाहती हूँ तो मैं इसे हटा देती हूँ।
अब मेरी सेटिंग्स हो चुकी हैं, अब मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ और ये मेरा जो इनवॉइस की नंबरिंग के लिए सेटिंग्स हैं वो हो चुकी हैं। चलिए अब एक इनवॉइस एंटर करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर एंटर करते हैं सेल का। तो अब मैं अकाउंटिंग वाउचर अपना एंटर कर लेती हूँ सेल का। अकाउंटिंग वाउचर मेरा ऑटोमेटिक नंबर आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली इसने 1 ले लिया है। आपका भी जो भी सेटिंग आप करेंगे उसके हिसाब से ये सीरियल नंबर अब अपने आप पिक कर लेगा। रेफरेंस नंबर आपकी मर्जी होती है, आप देना चाहें तो अपना कोई रेफरेंस नंबर भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे 1 ही दे देती हूँ। 1 अप्रैल को ही मुझे वाउचर एंटर करना है। पार्टी का नाम है मेरा ABC लिमिटेड, उसकी डिटेल सही है। अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है कंसल्टेंसी फीस। डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे सेट की हुई है मेरे केस में, क्योंकि मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए। ये सेटिंग्स आप फीचर्स में जाके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसल्टेंसी फीस के लिए सेटिंग्स डाल लेती हूँ। मैंने कंसल्टेंसी फीस ली इनसे अप्रैल 2019 to मार्च 2020। तो ये भी मेरे इनवॉइस पे प्रिंट होके आएगा। डिस्क्रिप्शन का भी बड़ा मैटर होता है। तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने सेट की हुई थी, अब मेरी डिस्क्रिप्शन भी मेरे वाउचर पे आ जाएगी। मेरी फीस थी 20,000। टैक्स क्लासिफिकेशन मैं इसे एंटर नहीं कर रही हूँ। अब मुझे इस पे टैक्स लगाना है, जो है मेरा IGST आउटपुट। डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रही IGST आउटपुट की। और देखिए मेरा टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है, क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी सेटिंग्स की हुई है। GST की सेटिंग्स टैली में कैसे करते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो अब ये मेरा वाउचर हो चुका है एंटर, मुझे और कोई डिटेल एंटर नहीं करनी है। तो मैं इसे कर लेती हूँ Ctrl+A और मैं वाउचर से बाहर आ चुकी हूँ। अब जो मैंने वो वाउचर एंटर किया है, चलिए उस पर चलते हैं। तो ये वाउचर मैंने एंटर किया था, मैं इस पे आ चुकी हूँ। अब मैं इसे देख रही हूँ प्रिंट करके, मैं कर रही हूँ Alt+P और क्लिक कर रही हूँ यस पे। तो अब इसने मुझे इसका ओवरव्यू दिखा दिया, मैं इसे जूम कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं इस इनवॉइस के अंदर मेरी डिटेल्स आ रही हैं। बड़ा अच्छा इनवॉइस ऑलरेडी टैली से निकलेगा, टैली से बहुत अच्छा इनवॉइस निकलता है। आप इसमें सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मेरे इनवॉइस में यहाँ पे बहुत कम डिटेल्स आ रही हैं, बहुत सारे लोगों की ज्यादा होती है, क्योंकि मैंने कम डिटेल्स को चूज किया हुआ है। और आप देख सकते हैं नीचे हमें बैंक डिटेल्स चाहिए थी, पर वो यहाँ पे नहीं आ रही है। तो चलिए अब हम ये थोड़ी सी सेटिंग्स और चेंज कर लेते हैं। वैसे अच्छा खासा इनवॉइस यहाँ पे आ रहा है। कंसल्टेंसी फीस लिखी है, ये मेरा पीरियड भी लिखा है, मैंने किस पीरियड के लिए कंसल्टेंसी फीस ली, उसका अमाउंट आ गया। यहाँ पे GST का रेट आ गया, नीचे GST का रेट बाइफर्केट करके भी आ गया, टैक्स अमाउंट वर्ड्स में आ गया, इनवॉइस का अमाउंट वर्ड्स में आ गया। तो ऑटोमेटिकली टैली से बहुत ही अच्छा इनवॉइस निकलता है। बस आपको आपके जो बायर की डिटेल होती है और अपनी जो डिटेल होती है वो कम्प्लीटली आपने मेक श्योर एंटर की हुई हो, तो सारी डिटेल टैली से ऑटोमेटिकली निकल आती है। आपका इनवॉइस नंबर मैंने 1 सेट किया था तो 1 आ रहा है। अब फ्यूचर में भी मैं जो भी इनवॉइस एंटर करूंगी तो उसका नंबर ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अब मुझे इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स और करनी है, तो एक बार इससे बाहर निकल जाते हैं। तो अब आपका जो इनवॉइस निकले टैली से बिल्कुल आपके हिसाब से कैसे निकले उसकी सेटिंग्स अब आपको बता रही हूँ। आपको होम पेज पे आ जाना, आप यहाँ पे देख पाएंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन दी होती है। आप चाहें तो F12 प्रेस कर सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। अब मैंने F12 प्रेस कर लिया, अब मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ रही है प्रिंटिंग की। अब मुझे प्रिंटिंग चूज करना है और एंटर कर लेना है। अब मुझे आना है सेल ट्रांजेक्शन्स पे, सेल ट्रांजेक्शन हम चूज कर लेते हैं और नेक्स्ट सेल इनवॉइस। इस पे आते ही आपके पास देखिए आ गई आपकी इनवॉइस प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आ रहा है टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवॉइस आ रहा है ऑटोमेटिक। आप इसे चाहे तो, अगर आपके केस में बिल ऑफ सप्लाई बनती है तो बिल ऑफ सप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए रिलेवेंट है वो आप चाहे तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक टैक्स इनवॉइस आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए ओके है। नीचे की डिटेल्स भी ओके है, ये ऑटोमेटिक जो विड्थ वगैरह है, कैसे टैक्स इनवॉइस प्रिंट होगा, वो सभी ठीक है। अब जो मेन चीजें वो यहाँ पे होती है, आपको यहाँ पे येस नो सिलेक्ट करना होता है। मैंने बहुत सारी चीजों में नो किया हुआ है, जैसे कि मुझे इन्वेंट्री नहीं चाहिए थी, मुझे पार्ट टाइप डिटेल नहीं चाहिए थी, और मुझे बहुत सारे जो बैच वाइज डिटेल होती है, कुछ चीजों को मैंने यहाँ नो किया हुआ है। आपको जो मेजर है, आपको जो चाहिए, वो आप येस नो करके अपने इनवॉइस में ले सकते हैं। मेजर जो होती है, आपका GST नंबर आ रहा हो, आपका नाम आ रहा हो, आपका पैन आ रहा हो, जिसको आप सेल कर रहे हैं उसका नाम आ रहा हो, उसका GST नंबर आ रहा हो, उसका एड्रेस आ रहा हो, मेन चीजें ये होती है। इनवॉइस का नंबर आ रहा हो, इनवॉइस की डेट आ रही हो, आपका बैच कोड आ रहा हो, तो जो भी चीजें आपको चाहिए, जो भी आपके बिजनेस के हिसाब से रिलेवेंट है, वो सभी आप यहाँ से येस नो करके आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, पढ़ते हुए चूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मेथड टू यूज फॉर पार्टी नेम, नेम ओनली, हमें नेम ही चाहिए।
फॉर्मेट टू यूज स्टॉक नेम ओनली हमें यही चाहिए। अब है बैंक डिटेल, प्रिंट बैंक डिटेल। अब मेरे केस में येस है, आपके केस में अगर नो है तो आप इसे येस कर लीजिएगा, फिर अपना बैंक चूज कर लीजिएगा और फिर ज्यूरिडिक्शन आप जो भी देना चाहें, जो भी आपकी ज्यूरिडिक्शन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर नहीं आ रही, और फिर अब इसे एंटर करके सेव कर लीजिएगा। तो हमने अपनी सेटिंग्स कर ली है, अब देखते हैं हमारे इनवॉइस पे क्या बैंक डिटेल आ रही है। तो मैं एबीसी लिमिटेड के उसी इनवॉइस पे आ चुकी हूँ, अब मैं इसे एंटर कर लेती हूँ और अब कर लेते हैं ऑल्ट पी और देखते हैं प्रीव्यू में जाके कि क्या बैंक डिटेल आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ नीचे मेरी बैंक डिटेल्स भी अब शो होने लगी हैं जो पहले नहीं आ रही थी। ज्यूरिडिक्शन मैंने एंटर नहीं की थी, आप चाहेंगे तो नीचे ज्यूरिडिक्शन भी आने लगेगा आपका। तो जो भी चीज़ आप कॉन्फिगर करेंगे ये सारी चीज़ें इन्वॉइस में आ जाएंगी। और अब हमने जो ऑटोमेटिक नंबरिंग सेट की है, मैंने एक नंबर इन्वॉइस एंटर किया था, अब जैसे ही मैं नेक्स्ट इन्वॉइस एंटर करूंगी तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे दो नंबर से पिक करेगा। तो बहुत इजी है टैली में अपनी इनवॉइस सीरीज शुरू करना किसी भी नए फाइनेंशियल ईयर में। तो टैली से रिलेटेड ही कोई और आप चाहते हैं कि डेमो आप चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको टैली में जीएसटी फीचर ऐड करना नहीं आता तो उसकी अपडेटेड वीडियो में डाल दूंगी, पर आपके पास से मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट चाहिए इस वीडियो पे और साथ ही इस वीडियो पे लाइक भी चाहिए अगर आप चाहते हैं, वो वीडियो मैं आपके लिए बना दूं। अगर ये वीडियो इंपॉर्टेंट लग रही है तो शेयर जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्लिक कर लीजिए रेड कलर के बटन को ताकि वो हो जाए ग्रे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले लेने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।